सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। आज हम लोग पास है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6, जिसका मैं करने वाला हूँ फुल डिटेल रिव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मिस्टर ट्रेडर्स को थैंकफुल बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अवेलेबल करवाई टीवीएस अपाची आरटीआर 162V रिव्यू करने के लिए। एंड अगर आप लोग वाराणसी और नियर बाई से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। एंड फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। एंड चैनल पे नए यार, छोटे भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप एक सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बहुत ज्यादा मन मोटिवेट हो जाता है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट से। तो फ्रंट का कुछ ऐसा लुक है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V BS6 2022 मॉडल की, जिसमें आप सभी लोगों को फ्रंट में ब्लैक रंग का वाइजर देखने को मिल जाएगा। और वाइजर आगे का चेंज है, ओल्ड मॉडल में कुछ अलग मिलता था, इसमें थोड़ा सा नीचे मिलता था, बट ये बम्प है। एंड इसका जो हेडलैम्प है ये भी चेंज हुआ है, अब फुल्ली LED इसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। और जो पायलट लैंप है वो भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है इसमें, और जो मेन हेडलैम्प है वो भी आपको LED देखने को मिलता है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे भी। सो कुछ ऐसी दिखती है जब इसको ऑन करिए। इसका जो पैलेट लैंप है उसको भी चेंज किया गया है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है टीवीएस अपाची आरटीआर 160 की हेडलैम्प। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड अब बात करते हैं नीचे, तो इसमें आप सभी लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड टायर की बात करें तो 80-80-17 इंच का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाता है। एंड ब्रेक की बात करें तो ये ट्विन डिस्क वेरिएंट है, जिसमें आपको आगे एंड पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में आप सभी लोग को सिंगल चैनल ABS मिलता है, 240mm का डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ABS की लोगो देखने को मिल जाएगी। एंड कुछ ऐसा है इसका आगे का मड गार्ड, जिसमें आप सभी लोग को ग्राफिक्स देखने को मिलता है, कार्बन ग्राफिक्स, और रेड कलर का स्टिकर भी है। कुछ ऐसा इसका मड गार्ड। एंड अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, ऐसा लुक आता है टीवीएस अपाची आरटीआर का, जिसमें यहाँ पे आपको हॉर्स की 3D बैजिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि हर टीवीएस की बाइक में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको आरटीआर 160 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे अपाची की बैजिंग, एंड यहाँ पे आपको इंजन का जो कवर है वहाँ पे टीवीएस रेसिंग का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल पहले आपको डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिलता था, अब आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। मैं दिखा देता हूँ ऑन करके। कुछ ऐसी है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स गाइस TVS अपने हर बाइक में ला रही है, जैसे कि रेडियन रेडार एंड अपाची रेडार सब में आप देख पा रहे होंगे। राइड के समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये फीचर होता है कि किसी का कॉल आता है, SMS आता है तो अलर्ट देता है। यहाँ पे आप सभी लोग को ABS का बैजिंग देखने को मिलेगा, न्यूट्रल, फ्यूल लो इंडिकेटर, एंड यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM सब यहाँ पे आपको शो होने को मिलेगा। साथ ही में अपने मोबाइल से, मैं जैसे पहले बोला, अपने मोबाइल से और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो राइडिंग के दौरान। अब बात करते हैं स्विचेस की। तो यहाँ पे आप सभी लोग को इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, एंड उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मोड का बटन देखने को मिलेगा। देन नीचे आप सभी लोग को इसका सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट स्विच की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पीछे पासिंग लाइट देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप हाई बीम लो बीम का देखने को मिल जाएगा, उसी के नीचे टर्न लाइट इंडिकेटर एंड हॉर्न का देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको TVS की जो बैजिंग आती है TVS अपाची आरटीआर में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो देखने को मिल जाएगी। और बात करें की से, तो कुछ ऐसा है इसका की, वापस लगाते हैं इसको। एंड गाइज ये देखिए, ये है पूरी इसकी साइड लुक। सो फ्रेंड, बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आप सभी लोग को 159 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है मैक्स पावर 15.31 BHP 8400 RPM पे, एंड जनरेट करता है मैक्स टॉर्क 13.9 Nm 7000 RPM पे। एंड गाइज ये तो इंजन आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही पावरफुल इंजन है, जो कि अच्छों को पिछाड़ देती है। एंड गाइज बात करते हैं अब इसके टैंक की, तो इसमें आप सभी लोग को 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। एंड यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके बैक की, तो यहाँ पे आप सभी लोग को डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है, साथ ही में रियर डिस्क वाला वेरिएंट है ये, रियर डिस्क है। तो फ्रेंड इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इट मीन्स डुअल डिस्क इसमें है। एंड साइड में आपको कुछ ऐसा ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसे पीछे की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पीछे इसका जो अप साइड है, यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, जस्ट उसी के नीचे आपको कुछ स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। एंड ये है इसका कुछ बैक लाइट, जो कि चेंज कर दिया गया, पहले अलग आता था, अब कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप टर्न लाइट देखने को मिलता है, साथ ही में जस्ट उसी के नीचे आप सभी लोग को नंबर प्लेट का होल्डर देखने को मिल जाएगा।
एंड साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे वही आपको रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड इसमें चैन कवर आपको फुल चैन कवर नहीं देखने को मिलता है, हाफ स्लीव का चैन कवर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टीवीएस का रेसिंग का टायर पे बैजिंग देखने को मिल जाएगा। 110/80/17 इंच का इसमें अलॉय व्हील आपको देखने को मिलता है। एंड इस साइड से कुछ ऐसा है इसका लुक, जहाँ पे आपको इधर RTFI का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। एंड 5 स्पीड इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है गियर, जो कि एक नीचे बाकी ऊपर लगता है। सो फ्रेंड्स कुछ है ऐसा है लुक TVS Apache RTR 162V BS6 2022 मॉडल का। और बात करते हैं कलर का, तो जो कलर अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वाइट कलर, एंड ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये है ब्लैक कलर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड गाइज ये है रेड कलर, एक मैट रेड भी आती है, ये ग्लॉसी रेड है। एंड ये है मैट ब्लू कलर, एंड इधर आप देख पा रहे होंगे ये सब रेड है एंड ये वाइट। सो ये थी गाइस टोटल, ये था टोटल TVS Apache RTR 162V BS6 2022 ट्विन डिस्क वेरिएंट का रिव्यू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड एक चीज़ और यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो। एंड आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।